हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, मस्त मज़े में हूँ। और आप लोगों का स्वागत है नए ब्लॉग में, आज के मेरे ब्लॉग में। तो आज का विशेष ये है दोस्तों कि आज जो मगदली है वो आज जा रही है अपने गांव। तो उसमें खुशी की बात तो नहीं है क्योंकि उसका एग्ज़ाम अभी पड़ा हुआ, एग्ज़ाम हुआ नहीं है, लेकिन उसके मम्मी पापा आ गए हैं तो वो जाना चाह रही है, तो इसलिए वो जा रही है। अभी 7 बजे की उनकी बस है, तो उनकी मम्मा नहाने गई हैं और ये उस तरफ उसके पापा वहाँ बैठे हैं, वो शायद नहीं नहाएंगे। और मगदली अंदर नाश्ता कर रही है और उसके बाद फिर उसकी विदाई होगी। और इतना सारा पैकिंग उसको करके दिए है, ये पूरा ये झोला लेके जाएगी, ये जो बड़ा वाला, ये देखो मगदली पूरा नहा धो के रेडी है, नाश्ता खा रही है, हलवा खा रही है। और उसका भाई वहाँ बैठा है, वो दिन गिने पेन पेंसिल लेके कि तुम कब आओगी, और वो एक एक दिन को करेक्शन करते जाएगा कि हाँ एक दिन हो गया, दो दिन हो गया, अब क्या पता मगदली का मन वो आया है। और ये यहाँ पे उसके सारे पैकिंग हो चुके हैं, उस कमरे में भी है, वो उस कमरे में जो वो पहनेगी वो सारा कुछ निकाल के रखी है, मैं दिखाती हूँ अभी। ये यहाँ ये इस बैग में भी अपने कुछ कपड़े उपड़े कुछ पैक किए, और ये बैग मैं उसको पहले ही दे चुकी थी, ये बैग उसको पसंद आ रहा था तो ये मेरा था, तो बोली मामी अच्छा लग रहा है तो फिर मैं उसको दे दी थी ये वाला। और ये वो शैम्पू ले के जाएगी, और ये फ्रॉक वो पहन के जाने का उसका प्लानिंग है, ये फ्रॉक पहन के जाएगी। ये उसके मम्मी पापा का ये वाला बैग हम लोग लेके आए हैं अपने कुछ कपड़े वगैरह। और इस कमरे की तो सफाई हो गई है, हम लोग यहीं सोए थे इस वाले में। दोस्तों उसके मम्मी पापा भी नहा धो के रेडी हो गए हैं, और ये देखिए इन लोग यहाँ पे खाना खा रहे हैं। हम लोग इसको दाआ मांडी बोलते हैं क्योंकि गांव के लोगों को ना रोटी सब्जी ये सब कुछ हजम होता नहीं, उनको पसंद भी नहीं है ऐसा, तो इसलिए उन लोग ये खा रहे। और हमारे लिए यहाँ पे आलू का पराठा बन रहा है और सामर्थ के लिए प्लेन। और आप लोग यहाँ देख सकते हैं ये मेरा दूध वगैरह भी हो गया है उबल के। और इधर देखिए मगदली पूरा एक्साइटेड है, एकदम खुशी से पूरे लाल पीली हुई जा रही है। और ये देखो बहुत ही ज़्यादा खुश है वो, क्योंकि वो 3 साल के बाद जा रही है और एग्ज़ाम में फिर भी जाना चाह रही, तो कोई नहीं, भेजना तो पड़ेगा ही। देखो मगदली दीदी पूरा रेडी, बैग टांगी है मगदली दीदी, ऐसे पार करके टांगी है तो गिरने का चांस नहीं रहेगा। हाँ हाँ, और अगर ज़्यादा लंबा लग रहा है तो उसको थोड़ा सा ऊपर में बांध के, हाँ छोटा कर सकते हैं, वहाँ पर बांध लीजिएगा, छोटा हो जाएगा। दोस्तों इसके पापा जाएंगे बस स्टैंड तक छोड़ देंगे, क्योंकि कल रात में जब इन लोग आए शाम को तो ऑटो वाला अच्छा खासा ठग लिया, यहाँ तक आने के लिए सिर्फ 30 रुपया लगता है लेकिन इन लोग से 100 रुपया ले लिया। नए लोग हैं, इन लोग को जानकारी भी थी नहीं, तो इसलिए तो अभी उसके पापा ही छोड़ने के लिए जाएंगे। अभी 6:30 हो रहा है, 7 बजे का गाड़ी है, यहाँ से 15-10 मिनट का ही रास्ता है, मानगो बस स्टैंड जाना पड़ता है। बाय बाय। ये देखिए मगदली चली, और ये मामू छोड़ने के लिए जा रहे हैं, और ये मम्मी पापा, मगदली तो सबसे पहले आगे आगे गेट खोलने की तरफ। बाय बाय बोल दो। बाय बाय दादा। तो दादा तो टीवी नेलते ने यार, टीवी तो कहाँ छोटा बच्चा, नाश्ता ते इन नाश्ता ते ने एंटे टीवी नेलते ने। ऑटो में ये करा दीजिएगा, बंद मत करो, पापा आ रहे ना, कि मगदली को मामू लेके जाएंगे बस स्टैंड तक और उसके मम्मी पापा ऑटो में आएंगे, तो ऑटो में भी बैठा दीजिएगा ना। हाँ
दोस्तों मैं हो गई हूँ नहा धो के रेडी। और ये आज सैटरडे है, आज तो यहाँ बाबू की छुट्टी भी है तो वो घर में ही है। और आज पीटी मीटिंग है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, तो इसलिए मैं जा रही हूँ स्कूल। और मैं फ़ोन नहीं लेके जाऊँगी क्योंकि बच्चे का कुछ कुछ वर्क बचा हुआ है तो वो घर में वर्क करता रहेगा। तो निकलने से पहले मैं एक छोटी सी वीडियो बना रही हूँ ताकि आप लोगों को मतलब पता चले कि आज मैं कहाँ गई थी। और मगदली तो चली गई, उसकी गाड़ी 7 बजे की थी, अभी 8 बजने वाले हैं और हमारी मीटिंग 8 बजे से है, तो 8 बजने में अभी भी 15-20 मिनट बचे हुए हैं, तो हमारी मीटिंग 8 बजे से, इसलिए मैं अभी निकल रही हूँ और फ़ोन छोड़ के जा रही हूँ। लो बेटा। दोस्तों मैं आ गई हूँ अभी स्कूल से, और ये मेरे दोनों बच्चे, अभी दोनों को मुझे नहलाना है। इसके टी शर्ट मेरे कपड़े में गंदा हो जाता ना, इसलिए इसका टी शर्ट में चॉकलेट लगा हुआ था तो मैं खोल दी। और ये अभी इसको मालिश वालिश करके मैं इसको नहलाऊंगी। मैं नहा के गई थी और पेरेंट्स टीचर मीटिंग में बस यही था कि बच्चों को अभी 2 क्लास में चला गया है ना मेरा बेटा, तो बहुत से पेरेंट्स जो है वो बुक्स समझ नहीं पा रहे हैं, सब बच्चों को अलग अलग बुक कॉपीज दे देते हैं, तो इसलिए टीचर सबको क्लियर करने के लिए बुलाई थी। दोनों आपस में टकरा गए, अच्छा कोई नहीं, कोई टकरा गए दोनों आपस में, भाई भाई। दोस्तों मगदली से हमारा जो है ना वो बिल्कुल परिवार के जैसा हम लोगों का रिश्ता हो गया है, तो इसलिए वो चली गई है तो अच्छा नहीं लग रहा है, पर क्या ही बोले, अब अचानक से ही उसके मम्मी पापा आ गए। वैसे पहले भी उन लोग आ चुके हैं, जब जब उनको पैसों की ज़रूरत पड़ती है, घर गांव में कुछ कमी पड़ जाती है पैसों की, तो उन लोग आके लेके जाते हैं, पर बच्चे को कभी लेके नहीं जाते। मगर इस बार बोले कि अभी गर्मी छुट्टी भी होने ही वाली है तो क्यों ना हम लेके ही जाएं घर में। बाकी उसके दीदी भैया उन लोग भी बोल रहे हैं कि काफ़ी टाइम से उन लोग मगदली को देखे नहीं, और सच में ये बात सच भी है कि मगदली जब से यहाँ आई है लगभग 4 साल हो गए हैं, वो एक बार भी गई नहीं है। उसके मम्मी पापा आते हैं, मिलते हैं और चले जाते हैं, तो अच्छा भी है कि वो गई और बोल के गई है कि 1 सप्ताह में आ जाएंगे। अब देखिए आती है तो ठीक है, और नहीं भी आती है तो भी ठीक है, क्योंकि दूसरे का बच्चा है, हम लोग फोर्स नहीं कर सकते। उस उन लोगों की मर्ज़ी से वो यहाँ रहती थी, अब अगर उनकी मर्ज़ी है ले जाने की तो उन लोग बहुत मतलब ले जा सकते हैं उनके बच्चे है। तो दोस्तों कमी तो रहेगी ही 4 सालों से, और बच्चा भी मेरा बड़ा वाला एक एक दिन गिन रहा है कि वो कब आएगी कब आएगी। तो बहुत अच्छी, बहुत प्यारी, बहुत मेहनती बच्ची है, और मैं भी चाहूँगी कि वो दोबारा आए। अब देखो उसके मम्मी पापा अगर नहीं भेजेंगे तो क्या ही बोल सकती हूँ। और पहले जब मगदली थी तो हम लोग 2 फीमेल पर्सन थे, बाकी सब मेल पर्सन है मेरे घर में, और अभी फिर से मैं अकेली हो गई हूँ फीमेल पर्सन। मेरे 2 देवर हैं, इसके पापा हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों बेटे और दादू, मतलब टोटल मेल पर्सन, मैं अकेली एक फीमेल पर्सन, फिर से मैं अकेली ही पड़ गई हूँ। तो दोस्तों यही है मेरी ज़िंदगी, और आप लोगों को मेरे लाइफस्टाइल अच्छी लगती है, अगर आप लोग मेरे लाइफस्टाइल के बारे में और जानना चाहते हैं डीपली तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और इसी तरह से डेली ब्लॉगिंग के तौर पर मैं अपने परिवार के सदस्यों से भी आप लोगों को मिलवाऊंगी, और धीरे धीरे मेरी लाइफ की हर एक जर्नी, हर एक रहन सहन, खान पान, हर चीज़ आप लोगों को जानने को मिलेगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इसी तरह से मुझे आगे बढ़ाइएगा, और क्या ही बोलूँ मैं, बस चलो रखती हूँ, बाय बाय।